बता रहा था कि दीदी ना जहाँ ये काम कर रहा है वही काम कर रहे, तो कैसे सब बढ़िया है? दीदी भी वहाँ पे अच्छे काम कर रहे, अच्छे रहे। जो काई चेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? बिट्टू तनु का डायलॉग बोल दिया मैंने। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग को ना पूरा पूरा जरूर देखे। दीदी ने देखो रोटी कितनी सारी बना ली, ये गोल गोल रोटी बना दी दीदी ऐसी छोटी छोटी से। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? बिट्टू तनु का डायलॉग बोल दिया मैंने। सबको कि जल्दी से जल्दी पहुंचाए, सरप्राइज कर दो सरप्राइज कर दो, बहुत सारे सरप्राइज मतलब सब्सक्राइबर है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना? फिर फैमिली टूर पे जाएंगे ना, कर दो ना प्लीज हमारे लिए। हम कहीं घूमने को जाएंगे। और आज रही थी ये बना रही है दीदी हलवा, इतना क्रम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अकेले के लिए बना रहे हो क्या? हम लोग भी खाएंगे? नहीं तो फिर भी ज्यादा हो जाएगा। देखो कितना सा है और ज्यादा हो जाएगा, ये इतना तो कोई अकेला ही खा जाए। सुकड़ी सेक रहे ना, इसको सुकड़ी बोलते हैं। कोई नहीं खाता मीठा, मीठा कोई नहीं। हाँ मीठा कोई नहीं खाता, और मैं तो बहुत कम खाता हूँ। दीदी ने गुड़ का पानी डाला क्या? शक्कर का हलवा नहीं बना रहे, गुड़ का बना रहे। तो गुड़ का पानी तो काला ही दिखेगा। गार्डन में लाए थे, देखो गुड़ का पानी तो काला ही होता है। अरे यार गुड़ का हलवा इतना अच्छा थोड़ी नहीं लगता, शक्कर का होना ज्यादा अच्छा लगता है। घी भी डाल दिया, क्या हलवा बन रहा है? ज्यादा जला मत देना दीदी, नहीं तो गैस तो बंद है ना। क्या लग रहा है यार देख के ही, टेस्ट करो। मम्मी चम्मच दो, चम्मच अरे चम्मच दो। देखो दीदी ऊपर से घी डाल रही है। बिट्टू दंडो बहुत टेस्टी मम्मी। एक साल से भी ज्यादा हो गया दीदी को यहाँ से गए हुए, और ना ही हमारी कोई उनसे बात हुई थी, ना ही हमको कुछ पता था वो कहाँ थे, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी हम लोगों को नहीं पता था। लेकिन फाइनली हमारी उनसे बात हो गई है, और दीदी की ना हालत देख के ना, है ना मम्मी, पूरे पूरे ना पूरे सूख ही गए हो। यहाँ थे तो कैसे थे ना दीदी? काले वाले दिख रहे हैं। हो सकता है भैया हुआ है ना, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। तो वैसे आज के इस ब्लॉग में ना आप लोगों को मेरा जो भांजा है ना वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? बहुत ज्यादा क्यूट है वो, है ना भाई, बहुत क्यूट है। सो वैसे आप लोग ना पहले ये पूरा ब्लॉग अच्छे से देख लेना आप लोग। बिट्टू और तन्नू ये गए थे मम्मी के साथ बैठने, उधर पड़ोस में कहीं गए थे बैठने के लिए, ठीक है? तो मम्मी भी गई थी साथ में, और इन दोनों को भी लेके गई थी, और मैंने चिल्लाया भी था मम्मी कहाँ जा रहे हो करके, तो ये बोले मम्मी बोले हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए। तो अब जहाँ मम्मी बैठी हुई है ना वहां से ये दोनों के दोनों आ गए, और अभी मुझे ये क्या बोल रहे होता है? दादी ने 20 और 10 रुपए मंगाए। क्यों मंगाए? क्योंकि हम अनाज फूटेंगे। और ये दादी ने बोला? हाँ। ये दादी ने ऐसा बोला? हाँ। पूछे लेना। और अगर मम्मी ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, उसके बाद क्या होगा आप लोगों का? कचुम्बर बना दो। सच बताओ तुम लोग मम्मी आएगी उसके बाद ही इनको गन्ने का जूस पिलाऊंगा। वैसे भी आपने देखा है ना गन्ने का जूस जब भी ये पीते हैं ना तो हमारे घर के पास ही निकल के जाता हो। ये मेन रास्ता तो ये निकलने का, ये वाला वो तो यहीं से निकल के जाएगा ना। दादी को बुला के लाना, झूठे कहीं के झूठे। कोई पैसा नहीं मिलेगा फालतू, बाहर की खराब चीजें खाते रहते हो और हालत खराब करते रहते हो। गन्ने का जूस खाते नहीं पीते शैतान बच्ची। शरारती बच्चे गाइस, आप लोग ज्यादा सीरियस मत लिया करो। बहुत सारे लोग ना, तो कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा फिक्र भी करते हैं कि बच्चे अभी से बदमाशी करते रहते हैं, बिगड़ रहे थोड़े, तो आप ध्यान दिया करो। मैं ना उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, वो अगर गलत करते हैं ना तो रोकता टोकता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं बोलता उनको, बोलता भी हूँ, लेकिन ये जो चीजें करते हैं ना ये बहुत क्यूट क्यूट सी लगती है, प्यारी प्यारी सी लगती है ऐसी हरकतें। और इस चीज को देखकर इनका फ्यूचर कोई जज नहीं कर सकता कि अभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, ऐसा जज नहीं करना चाहिए। अभी तो बच्चे हैं, नादान है, और यही तो उम्र है यार मस्ती मजाक करने की। घर के अंदर अगर बच्चे ना हो ना वो घर घर ही नहीं लगता, सुना सुना सा लगता है। जैसे कि बिट्टू तन्नू के पापा मेरे भैया,
इन्होंने भी हमको बहुत अच्छे से रखा था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी, जो भी कुछ मांगता था मैं वो मुझे ला के देते थे, हर ख्वाहिश मेरी पूरी करते थे, मुझे पढ़ाते थे, मुझे महंगे महंगे कपड़े पहनाते थे, फिर मेरे लिए बाइक भी लेके दी थी, जो आप हमारे घर बाइक देखते हो ना, ये जो बाइक देख रहे हो ना, ये भैया ने मुझे ला के दी थी, मेरे लिए ली थी भैया ने, क्योंकि मैं खरगोन जाता था कॉलेज, तो कॉलेज जाने में बार बार दिक्कत आती तो बाइक से जाता था मैं कॉलेज। ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे वाले थे, गरीबी थे, लेकिन फिर भी भैया ने मेरे हर एक शौक पूरा करता था वैसे तो, लेकिन मेरे भैया ने बहुत सारे मेरे शौक पूरे करे हुए। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं है तो उनके बच्चों का ध्यान रखना, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। मतलब ये बच्चे सच बोल रहे थे, देखो मम्मी है साथ में और वो रहा है गन्ने वाले भाई साहब का ठेला, ये आ रहे देखो दोनों रास्ते में पीते पीते आ रहे जूस, लेकिन वो झूठ गिर गया और मेरा इतना। अरे तो रास्ते रास्ते पीने से अच्छा है एक जगह खड़े होके पी लेते बेटा। इधर दादी तो आई नहीं, दादी कहाँ? कहाँ पे चप्पल, चप्पल भूल आए दादी। हाँ। इनको जूस पिलाने के चक्कर में मम्मी चप्पल ही भूल के आ गए, और ये झूठ नहीं बोल रहे थे, मम्मी ने सच में बोला था पैसों का। जल्द से जल्द मेरे चैनल पे ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और वो गोल्ड प्ले बटन आता है ना वो हमारे घर आ जाए, तो देखते ये सपना पूरा कब होता है, कब हमारे चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है, अब अभी की डेट में कितने सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ये डेट नोट कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद कितना समय लगेगा 10 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, मतलब एक। तो गाइस अभी देखो कमल का बचपना फिर से आ गया, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग रहता है। देखो चाय रोटी फिर उसमें टोस्ट बिस्किट वगैरह सब कुछ मिक्स करके खाता है, और उसका स्वाद ना बहुत ज्यादा आता है, और अभी पहले मैं भी खाता था इस तरह से, लेकिन अब नहीं खाता। तो गाइस इसका नाम है गोनिल, जो कि हमारे इधर ही रहता है, लेकिन अभी बाहर काम करने गया था तो काफी दिनों के बाद आया, और अभी क्या देख रहे हैं बिट्टू तन्नू और मम्मी, अभी बताए क्या देख रही है। और जैसे आप दीदी के लिए बार बार बोलते रहते थे ना कि दीदी को घर ले आओ, दीदी को घर ले आओ, या तो आप दीदी से बात करो, कुछ भी करो, तो ये ना उन्हीं के पास रह रहे हैं, है ना? हाँ, वहीं पे रहते हैं दीदी, जहाँ रहते हैं ना वहीं रहते हैं। फिर यही बता रहा था कि दीदी ना जहाँ ये काम कर रहे हैं वहीं काम कर रहे थे, कैसे? सब बढ़िया है, दीदी भी वहाँ पे अच्छे काम कर रहे, अच्छे रह रहे। फिर मेहनत का ज़्यादा काम तो नहीं करते? नहीं, कहीं नहीं मेहनत का, कहीं नहीं काम है, कहीं नहीं घर पे रहते हो क्या? घर पे रहते हैं, घर पे रहते, कहीं काम इतना नहीं है। अच्छा, दिन भर घर पे रहते हैं बस, वो थोड़ा बहुत काम रहता है। करते कि नहीं? याद करते ना, मम्मी को याद करते, सबको, तुम्हारा वीडियो देखते हैं। देखते हाँ देखते, मैंने तो बोला था घर आना होता है सकते हो। नहीं, दीदी बोल रही थी, भैया बोल रहे थे शादी पे, तो मैंने बोला था दीदी को ना लड़का भी हो गया है, और अभी ना मम्मी ना वही फोटो देख रही थी, कैसा है अच्छा कितना क्यूट लग रहा था, हम लोगों को भी उससे मिलना है। कुछ भी यार, बहन तो बहन ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और अभी मतलब भैया भी हो गया है मेरा, तो मतलब मेरा खुद का भांजा, और मैं उसको अभी तक देख भी नहीं पाया रियल में, अभी फोटो अभी जस्ट फोटो में देखा, कितना क्यूट लग रहा है, हम लोगों को भी उससे मिलना है, दिखाना एक बार, आप लोगों को दिखा दो फोटो, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, है ना? जो काई चेते हैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किससे बात करी? बुआ से। और मेरे भाई से। तो गाइस एक गुड न्यूज भी है, दीदी को ना लड़का भी हो गया है, और दीदी से बात करी, और मेरा भांजा भी हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना, कितना क्यूट था ना, हम सबने उनसे बात करी। आप लोगों जब ये ब्लॉग पूरा देखोगे ना, आप लोगों को सब डिटेल्स सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी जब हम लोगों ने बात करी ना दीदी से वीडियो कॉल पे, अभी तो बात करी, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, आप लोगों को देख लीजिए। ठीक है,
तो गैस देखा आप लोगों ने मेरा भांजा कितना ज्यादा क्यूट है ना, और दीदी की हालत देखी कैसी हो गए हैं वो भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी कब क्या घर आएंगे, सब कुछ आप लोगों को ना ब्लॉग में पता चलते रहेगा। बस आप लोग ना ब्लॉग पर बने रहना, बहुत जल्द दीदी भी घर आएंगे, कब क्या आएंगे ये सब आप लोगों को पता चलते रहेगा। और गाइस सबसे पहले अपडेट ना मैं इंस्टाग्राम पर दे देता हूँ, अगर आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा हुआ ना तो डायरेक्ट फॉलो कर लेना। देखो मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी तो आप लोग वहाँ पर फॉलो कर लेना, आप लोगों को पहले जानकारी मिल जाएगी दीदी कब क्या आएंगे, ठीक है, आगे और हमारी क्या क्या बातें हो रही सब कुछ आप लोगों को अपडेट ना इंस्टाग्राम पर पहले मिल जाएगा, उसके बाद में ब्लॉग आता है, ठीक है। और काफी अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद दीदी से बात हुई, और जो भी मेरा गुस्सा था ना वो तो जब पता चला था ना मुझे कि दीदी को लड़का हो गया है तभी मेरा वो गुस्सा शांत हो गया था, बट थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली दीदी से बात हो गई। और आप में से काफी सारे लोग यही चाह रहे थे कि जो भी हुआ सो हुआ, वो हो गया, अब दीदी को घर ले आओ, दीदी से बात कर लो। सो फाइनली गाइस आप लोगों की भी जो इच्छा थी वो मैंने पूरी कर दी सब, ठीक है। बहुत जल्द दीदी घर भी आएंगे, सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लॉग देखकर हो सकता है मेरी जो फैमिली है वो नाराज हो जाए या कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी मैं दीदी को घर लाने की सोच रहा हूँ ना, तो इसमें रोकने के लिए शायद मेरी फैमिली तरफ से भी कॉल आ सकता है, जो हमारी फैमिली है ना काका बाबा में, वो लोग भी शायद मुझे डांट सकते चिल्ला सकते, पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता उनका रिएक्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तो दीदी को घर लाऊंगा ही। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखना, और इस ब्लॉग को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जो लोग भी ये चाहते थे ना कि दीदी जल्द से जल्द घर आ जाए उन तक ये ब्लॉग पहुंचा देना, ठीक है। और अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना, और मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।